अरे यशोदा के लला मेरी तेरा सुनो दी मेरी तेरा सुनो तुम्हारा कोलाज मेरी गिरधारी उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज हम राधिका कैसेट कंपनी के सौजन्य से जो ये महाराज त्रिशंकु के बारे में जो प्रसंग लेकर के चल रहे हैं जनता की विशेष मांग पर, मैं बबलू शास्त्री मिलावली वाले इधर महाराज त्रिशंकु के जो पुत्र हुए हरिश्चंद, तो कुछ बारहमासी मैंने जो लिखी है तो गौर करते हैं हरिश्चंद्र के बारे में। भैया योगिंदर, जिस समय आज बेटा रोहितास के बारे में तारा सोच रही है, अरे चैत गर्भ में रहो अरे नीरवरी सोयरी काया में,
कियो मरा पास बैठी नाए पायो छाया आज सोचने लगी कहने लगी तारा अरे कौप करी परमेश्वर रूठे अरे राजपाट चली लियो आई अब काशी में लूटे जिस राजा ने कभी दिल्ली से नीचे कदम नहीं रखा रानी ने आज अरे परिया जब पर जा की रे तंगी आई पिके नीच घर जाए भूप पे हुकुम करे भंगी आज सोच रही है तारा इधर अरे कर्म गति डरे ना डरे अरे भई राजा हरिचंद नया दुभंग घर आज हरिश्चंद्र कहां इतनी प्रजा को ऊपर शासन चलाने वाले थे आहा अरे काट जाई मरघट में डोरी अरे होनहार बल बन प्रभु तेरी लीला है न्यारी मेरे भक्तों आज इधर महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया का कार्य कर रहे हैं जिन्होंने कभी निकल करके बाहर नहीं देखा आहा प्रभु तेरी लीला। और उधर रानी तारा अपने बेटा रोहितास से कहने लगी बेटा रोहितास थोड़ा बगीचा में चले जाओ और थोड़े पूजा के लिए फूल लेकर के बेटा जल्दी आना क्या है प्रभु तेरी माया। अरे लागत ही बैसाख अरे कुमार जब फूलन कोरिया यानी अरे लागत ही बैसाख कुमार जब फूलन कोरिया एक बैठो करिया नाग पारी फन पिसियर ने खाओ जैसे ही बेटा रोहितास फूल तोड़ने के लिए चला है लेकिन एक नाग ने उंगली में डस लिया
अरे कुमार की बारुण लासिधरी बेटा रामपाल, अरे सुन ही करी गो गोदयाजू तेरी मैया नाए मरी। आज जैसे ही रानी तारा ने देखा है, अरे बिना किरो फूल न तोरी चोना बेटा, अरे बिना किरो फूल न तोरी चोना, अरे मो पे मो धरी लो कंठ टिप ताई लो सोना। बेटा रोहितास, बेटा रोहितास, केवल एक बार मैया कह दे लाला, अरे लाला तेरी भवती रैया छाती, अरे टप टप आंसू गिरे नीर दू परसे ओलाती। प्रभु तेरी माया, आज मैया को कभी होश आता है तो कभी बेहोश हो जाती है। अरे फिरे बना आफती की मारी भैया योगिंदर, अरे गैया सी डक राय कुमार की रोवे मातारी। आज मेरे भक्तों, आज इधर लैस के ऊपर कभी होश आता है तो कभी बेहोश हो जाती है। जिस रानी ने कभी दहलीज से नीचे कदम नहीं रखा हो, आज बिचारी दर दर की ठोकर खा रही है। हमारे गुरुजी एक गाना गाया करते थे बेटा, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, क्या है प्रभु तेरी लीला, क्या है भक्त जो करते थे न्याय जो दूसरों का जज बनकर, वो आज मैंने कटघरे में खड़े देखे। करते थे जो इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, भाई मैंने हॉस्पिटल में पड़े देखे। क्या है, एक दिन रावण ने दसों दिशा जीत लई, एक दिन दसों शीश पड़े रहे रण में, एक दिन कंस को पछाड़ी दो छिन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लई बन में। अरे मां
सकी क्या पा सके और सूरज के तीन पन हो एक दिन में। क्या है ये सब, क्या है प्रभु की लीला है जो जन्म का धैर्य न पे ना बैठे पे घूमत है कारण में और घात खोदी की ठोकर मर गए महापुरुष के जाने न। अरे एक दिन चिता चले मर घट में उड़ी उड़ी धुआं जाई आसमान। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सोना लुटवाओ चोर। अरे एक दिन महतर के कहने में झाड़ू दे में जाए। के काउद न पकी मका तुम्हे जावेंगे जे तो ताया ए विदेशी काउद न। पकी मका तुम्हें जावेंगे जे तो ताया ए विदेशी काउद न। आज मेरे भक्तों इधर क्या हुआ है, जब देखा है तारा बिलख रही है सोच रही है भगवान आज ये मुसीबत मेरे ऊपर, कभी लहस को गोदी में उठा लिया है आधी साड़ी को फाड़ करके उसे बेटा की लाश को लपेट लिया है। अरे जेठ लपेट की आगे मुसीबत आके ना मेरे छोड़ी। अरे जाई परदेशन लकती मैया क्यों चोरी। अरे बात पिया को लाल अकेलो झाड़ी में सोवे। अरे पादुकिया को लाल अकेलो झाड़ी में सोवे। हाय जल बिन तड़पे नीन बछड़ा बिन तड़पती है गैया।
आज दुखिया ने जैसे लाश को गोद में लिया है। अरे लाश जाके चारों ओर फिरी, अरे नक्की फूटी जाई कुमर के मुख से झाग गिरी। आज वो दशा है बेटा रोहितास की, अरे टूटी गई खून न तेरी नारी, अरे गैया सी देख राई लला की रोवे मादारी। आज भैया जैसे ही तारा ने रोहितास को गोदी में लिया है, एकदम देखा है बेटा बेटा कुछ तो बोलो लाला। आज मेरे भक्तों, आज उस गोदी में लैस को ले लिया है तारा ने, प्रभु तेरी लीला। अरे आसान रोई जब देखी सिलाम पे जुर गिर टूटी, अरे तीन लोग के नाथ अकेली परदेश न लूटी, आज तारा सोच रही है। अरे काल में आई करोरी दंगा, अरे कौन उठावे लाज ललागू मेलाऊ गंगा। बेटा एक बार बोल, जिस मैया का छैया चला जाए उस मैया से पूछो, अरे मूड़ा धराती पे मार रही, अरे साड़ी लीनी पारी कुमर पे कफन डार रही। आज सोच रही है बेटा, अरे माता ने सुतकी लाश धरी, आए बिलगत बिलगत जाय बोझ के मैया आज उमरी। बेटा अरे कद्दू के दिल में अति भारी, अरे गैया सी डगर आई पूत की रोबे मातारी। आज मेरे भक्तों, जैसे ही लाश को लेकर के आगे बढ़ती जा रही है,
कभी होश आता है कभी बेहोश हो जाती है। प्रभु जिस मैया का छैया गोदी से चला जाए उस मैया के दिल पे हाथ रख के देखो। आगे बढ़ती हुई गई जा महाराज मरघटिया का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ी है तारा अरे सावन संकट पड़ो किन्नरपने कठिन पे जठानी महाराज हरिश्चंद्र ने देखा अरे कौन है अरे सावन संकट पड़ो नपने कठिन पे जठानी हाय कपन देई उतारी ला सको धरी दे पटरानी के भूखे तारा नारी हम कफन के भूखे हाय एक टका के काज रात दिन मरघट में सूखे हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जब तक तुम कर का टका नहीं दोगी यहां पर मुर्दा जलाया नहीं जा सकता। अरे करामती आखिन में फुआरी अरे कैया सीधक राई लला की रोवे मातारी ए कैया आज मेरे भक्तों जैसे ही हरिश्चंद कहने लगे तारा जब तक तुम कर का टका नहीं दोगी या मुर्दा चलाया नहीं जा सकता। तारा कहने लगी महाराज कोई और नहीं है तुम्हारा ही बेटा है। हाँ बेटा मेरा लेकिन तारा उस दिन की याद करो तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। तारा तुमने मुझसे क्या शब्द कहे थे आज मैं भी दूसरे की नौकरी कर रहा हूं। तारा अरे भादों को ले नाम याद करी बात न की रे गोरी बहुत सुंदर मेरे भैया योगिंदर। अरे भादों को ले नाम याद करे बात न कीरे बोरी अरे पावंगी की सुता गगरिया लाए थे गोरी हरिश्चंद बोले तारा उस दिन की याद करो। अरे भाई तुम बात न पढ़ने तानी जब धरनी लागी लाश बिगारन गंगा को पानी
तारा तारा उस दिन की याद करो तारा। अरे कैसाड़ी कफन में दीनी, अरे लई पूछ तोरे नारी नारी अब दुनिया में दूनी। अरे पूछ तब दुनिया मेरे दीनी, अरे करी बात न की याद बात मेरी बात नाए पूछी। अरे अति भारी तारा, अरे कैया सी डग राय ललागी रोवे मादारी। तारा उस दिन की याद करो तारा, जिस दिन तुमने मेरा घड़ा भी नहीं उठवाया था तारा। आज मैं भी दूसरे के यहां पर नौकरी कर रहा हूं। आज उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा जब तक तुम कर का टक्का नहीं दोगे और यहां पर मुर्दा चल नहीं सकता। अरे कुआर कर्म में लिखी, अरे सती के मठ में घुसी आई। अरे दुख की आई गई नींद सोई गई विपता की मारी। आज वो दशा है तारा की, अरे छिपी जैसी पागन में मीना, अरे तीखी आवे सास रानी के भूले ना। लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं आया, आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना, अरे यहां डायन आ गई है, डायन बच्चों को खा जाती है। अरे मुनि ने आई करी चोरी, अरे बाल कलाए चुराई उमरी है बेटा की चोरी। आज अरे कुमार को कोट बिना सकरो, अरे हाय हाड़मा काटिया लग जाए रानी के पास धरो। अरे
आज विश्वामित्र को चैन नहीं आया, बेटा की लाश का वो हाल किया है। अरे लाश की दुर्गति करी डारी, और कैया सीधक साइल लागी रोवे मातारी। आज मेरे भक्तों उसी समय वो हाल किया है, तब तक हरिश्चंद्र को चैन नहीं पड़ा। जो हरिश्चंद्र ने देखा है तलवार लेकर के भागे हैं, और जैसे ही तलवार लेकर के भागे विश्वामित्र ने कलाई को पकड़ लिया है, और जैसे ही कलाई को पकड़ा है, महाराज तुम मेरी रानी तारा भी आ गई, मेरा बेटा रोहितास, रोहितास को आवाज लगाई है, रोहितास भी आ गया है। और ये जो बारामासी के कुछ शब्द जो मैंने कुछ लाइनें जो सुनाई हैं, ये राधिका स्टूडियो के सौजन्य से, मैंने ये पूरी कथा तो नहीं कही है, थोड़ी चंद लाइनें आपके समक्ष में भेजी हैं। मैं बबलू शास्त्री हमारे साथ में जो संगीत दे रहे हैं, योगिंदर मस्ताना, तो अगर इसमें कोई भूल बन गई हो तो क्षमा करें, आगामी प्रोग्राम इसी राधिका स्टूडियो को सोने से देखेंगे। ए हरिचंद की गाथा रे जल्दी में सुनाई दई गाय के, तुम सभी करो यार राम रे के भैया घर अब जाई के, घड़ी तो वीरन भैया रे के पारा अभी बजाय के, धन्य महाराज ऐसी परीक्षा कलयुग में किसी की मत लेना। ओ मुरली के बजैया श्याम नजर तुने कहां पे डारी।